अल्लाह ताला आज की इस शब के सदक़े में ये एक ऐसा एहसास है, मैंने दोपहर में भी अर्ज़ किया था कि सिर्फ मैं एक लम्हे को अपनी आँख बंद करके बस ये इतना शायद मतलब मुझे लगता है दुनिया का सबसे जादुई लफ्ज़ अगर कोई कहे कि पूरी दुनिया में हज़ारों ज़बानें हैं उनमें अरबों अल्फाज हैं यूँ खरबों जुमले हैं उसमें से कोई एक लफ्ज़ ऐसा कौन सा है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला और उसकी ज़ात और उस सब यानी दुनियावी एतबार से एक लफ्ज़ कैसा कौन सा है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जादुई लफ्ज़ है, तो कहता है कि वो लफ्ज़ है माँ। क्या आप एक लम्हे को आँख बंद कीजिए और कहिए लफ्ज़ माँ और आपके तस्वुर में आपकी माँ आए तो फिर आपका सोचने का देखने का बोलने का हर चीज़ तब्दील हो जाती है जब आपकी वालदा मोहतरमा का चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है, है ना। तो आज की इस शब के सदक़े में जिन जिन की वालदैन ख़ासतौर पे वालदा इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उन सब औलादों को सब्र जमील अता फरमाए इंशाअल्लाह। और आज की इस शब के सदक़े में खुदा ना करे अगर वालदैन या वालदैन में से कोई जो दुनिया में नहीं है अगर वो अब तक किसी आजमाइश में थे भी उस जहान में तो बारह तुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जनाब आमिना का के सदक़े में उनका वास्ता है कि उन सब की आजमाइशों को आखिरत से मुताले आज की इस शब में टाल दें इंशाल्लाह। सबका ठिकाना जन्नत और फिरदौस आज की इस शब में बना दें इंशाल्लाह। और जिन जिनके वालदैन जिंदा हैं उन सब औलादों को मैं अपने लिए कह रहा हूँ ज़ाहिर सबसे पहले अपने वालदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमा और उनका हक तो अदा नहीं हो सकता लेकिन जितना बिसात में मुमकिन है वो करने की तौफीक अता फरमा और उनको तूले उम्र अता फरमा सबके वालदैन को सेहत और सलामती के साथ इंशाअल्लाह। बहुत नवाजिश सिद्दीक भाई, बहुत नवाजिश, जज़ाकअल्लाह। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।